बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज हम बात करने वाले इस तरह के AI वीडियो आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं प्रोसेस अप्लाई करूंगा सारा चीज मैं फोन से ही करूंगा और आपको बताऊंगा A to Z आप फोन से वीडियो कैसे बना सकते हो AI वाले। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरह के सारे फोटो आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो और किस वेबसाइट से जाकर पूरा वीडियो एडिट कर सकते हो। सब इस वीडियो से बने रहिए। A to Z आपको AI से वीडियो कैसे बनाते हो आपको डिटेल बता दूंगा और इस वीडियो के बाद आप बहुत ही आसानी से AI वीडियो बना सकते हो। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अनलिमिटेड वीडियो बना सकते हो, क्योंकि वेबसाइट पर लिमिट रहते हैं, 20 वीडियो से तुम अब ज्यादा नहीं बना सकते। तो मैं वो भी तरीका बताऊंगा जिससे आप अनलिमिटेड वीडियो बना सकते हो, क्योंकि आप तभी तो फेसबुक अपना यूट्यूब चैनल पे अनलिमिटेड वीडियो बना बनाकर अपलोड कर पाओगे, क्योंकि 20 वीडियो में क्या ही होने वाला है। तो ये भी तरीका मैं बता दूंगा जिससे आप अनलिमिटेड वीडियो भी बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्रोम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक वेबसाइट है, नाम है आपका 11 Labs। यहाँ पे मैं सर्च कर दे रहा हूँ और देखो आ जा रहा है। इस वेबसाइट पे आप चल जाना और यहाँ पे देखो जो कुछ भी आपको बोलवाना है AI से वो सबसे पहले यहाँ पेस्ट कर देना। ये मैंने पेस्ट कर दिया है, मैंने कॉपी करके रखा था लाइन, और चलो इसे सुनते हैं। बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है बड़ा। अब इसको थोड़ा हम चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अब यहाँ पे बड़ा, अब फिर से हम चलिए यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अब ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसे हम डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ साइड में देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और ये मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो भी गया और ये मेरा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। वॉइस हमने डाउनलोड कर लिया है जो हमें बोलवाना था AI से। और उसके बाद हम चले जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो अब हमें बारी है कि फ़ोटो कहाँ से उठाना है। तो यहाँ पर देखो एक वेबसाइट का नाम है, चलो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, लेक्सिका आर्ट। इस वेबसाइट पर आ जाना और यहाँ देखो सबसे पहले ही आ गया है और इस वेबसाइट को ओपन हो रहा है और ये मेरा वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब इस पे जैसे देखो मुझे एक ओल्ड आदमी के फोटो चाहिए, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ओल्ड मैन। उसी तरह आप सर्च करके कुछ भी जो चाहें, जिसकी भी फोटो चाहिए उसका फोटो आप सर्च करके ला सकते हो। अब ये देखो कितने अच्छे अच्छे फोटो आ गए। अब इसमें से आपको जो पसंद आ रहा है उस फोटो को सिलेक्ट करो और डाउनलोड कर लो। चलो मैं ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ देख सकते हो साइड में डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। और इस तरह आपको चलो और भी दिखाता हूँ आप और भी कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बैक करके दिखाता हूँ यहाँ से, और ये वाला मैं फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो की सबसे मेन टॉपिक पे, पॉइंट नंबर 3 की, वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो चलो चलते हैं अपने क्रोम पे और यहाँ सर्च करेंगे हेजन, HEYGEN, हेजन AI। अब ये सर्च करके हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं और देखो सबसे ऊपर में ही आ गया वेबसाइट। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रायल का ऑप्शन आ रहा है फ्री वाला, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो सबसे पहले में आपका पोर्टेबल फ़ोटो है, यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हो, चलो रिप्लेस करना है क्योंकि हम फ़ोटो जो आपको डाउनलोड करके दिखाए थे वो फ़ोटो लगाना है। यहाँ फ़ोटो हम लगा लेंगे, डन करेंगे और ये हमारा फ़ोटो रिप्लेस हो रहा है, देख सकते हो। और यहाँ पर देखो नीचे में आ रहा 3rd नंबर पॉइंट में, एडिट योर वीडियो स्क्रिप्ट। अब ये जो हम लाइन लिखे थे वो हमें पेस्ट करना है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले रिमूव करते हैं, हमारा पेस्ट हो चुका है, ठीक है, देख सकते हो। और यहाँ पे हम चलो कंटिन्यू कर देते हैं और ये हमारा फ़ोटो रेडी हो चुका है। और यहाँ पर देखो लास्ट स्टेप में बता रहा है अपना नाम, क्योंकि आपका ID बना नहीं है तो वहाँ पर बताएगा नाम। मैं अंदाजे अपना नाम लिख दे रहा हूँ राज, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप कुछ भी लिखो, जो मन में आए वो लिख सकते हो। बस यहाँ पे आपको ID से सही डालना है, आपका Gmail ID वो मांग रहा है, वहाँ बस Gmail ID आपको सही डालना है। और यहाँ पे मैं Gmail ID भी दे दिया हूँ। अब यहाँ देखो पूछ रहा है 4th नंबर में, हाउ डिड यू हेयर अबाउट हेजन। और यहाँ पे मैं तो YouTube के जरिए मालूम चला मुझे, दे दिया। तो मैं भी YouTube के जरिए जहाँ से मालूम चला दे देना, अपने मन के ऊपर है, सबमिट कर देना। और चलो हम अपने मेल चेक कर लेते हैं।
और ये आप देख सकते हो मेरे मेल पे आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो हेजन के तरफ से ही है। डियर राज, मेरा नाम बता रहा है, जो मैंने नाम वहाँ पे लिखा था, योर एआई वीडियो इज रेडी, टेक ए लुक। ठीक है, चलो देखते हैं इस वीडियो को। और ये हमने क्लिक कर दिया है और ये मेरा वीडियो देखो बन के रेडी आ गया है। और यहाँ पे देखो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपने आसानी से डाउनलोड कर ले। चलो सबसे पहले हम सुनते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अब चलो यहाँ पे मैं डाउनलोड का ऑप्शन जाए डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट भी हो चुका है और ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। और चलो अब मेन मुद्दे पे, यहाँ पे इस वीडियो को अब एडिट कैसे करना है, क्योंकि साइड में आप देख सकते हो लोगो दिख रहा था। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आने वाले टाइम में अगर ये इस तो मल्टीपल वीडियो तो आप बना ही सकते हो, मगर देखो यहाँ पे जो जीमेल आईडी मांगा, अगर इन फ्यूचर ये बोलेगा कि इतने लिमिट ही लगाता है, क्योंकि लिमिट तो कभी भी, जिससे पहले जो एक वेबसाइट था DIDAI बोल के, उस पर तो लिमिट देता था, साथ में अब तो क्रेडिट देना बंद कर दिया। पहले 20 क्रेडिट देता था जिससे आप 20 वीडियो बना सकते थे, मगर अब कोई भी जीमेल आईडी से नया लॉगिन करो उससे कोई क्रेडिट नहीं मिलता। साथ में आपको यहाँ पर साइड में प्रूफ भी दिख रहा होगा, तो वही प्रोसेस से मैं आपको समझाने वाला था, मगर उस प्रोसेस में आप देख रहा हूँ कि क्रेडिट ही नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आपको दूसरा वेबसाइट एक ढूंढ कर दिखाया। और इस पर भी बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो उसी तरह के वीडियो। तो अब आ रही है अपने काइन मास्टर वीडियो एडिट में कैसे एडिट करना है। तो चलो सबसे पहले हम अपना काइन मास्टर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट डाउनलोड जो किया था मैं वीडियो, वो वीडियो आ जाएगा। पहले हम जूम करेंगे क्योंकि वो इसी तरह वीडियो देता है। ओके, और देखो ये हमारा जो साइड में वाटर मार्क दिखा रहा है, अब इसे हम क्रॉप कर देंगे। ये हमारा जूम हो चुका है और अब देखो सुनकर एक बार। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों को, देख रहे हो इस तरह बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और साथ में यहाँ पे जो बोल रहा है, तो चलो सबसे पहले टेक्स्ट में और यहाँ सबसे पहले पेस्ट करेंगे। और हमें तो चाहिए सबसे पहले एक लाइन, यहाँ पर पहला लाइन मैं ले लेता हूँ, बारिश की बूंदें। और यहाँ पे देखो फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट है, चाहो तो आप कहीं से भी फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। यहाँ पे चलो मैं एक नॉर्मल फॉन्ट ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें आउटलाइन लगा दे रहा हूँ और यहाँ पर सबसे नीचे भी यहाँ पर लगा दूंगा। और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन देता है एनिमेशन का, जहाँ पर मैं लेटर बाई लेटर का ऑप्शन दे रहा हूँ। और यहाँ पे स्पीड अपना अपने अनुसार लगा सकते हो, मैं यहाँ पे 0.5 से थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ बस। और यहाँ पर सुन लो, चलो अब चलो सुनकर देखते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, थोड़ा सा पीछे हो रहा तो इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। और इस तरह देखो, अब चलो सुनकर। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन देख सकते हो ये अपने अनुसार ही वर्क कर रहा है, उसके अनुसार ही जैसे जैसे आपका लाइन बोलते जा रहा है उस तरह से आप टेक्स्ट को ऐड करते जाओ और ये आपका वीडियो पूरा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले सेफ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जिस क्वालिटी में आपको चाहिए उस क्वालिटी में आप वीडियो को सेव कर लेना। ये था यार वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आया हो। और ये वीडियो जिस तरह से मैंने बताया, और वो वाला पहला वेबसाइट जो DID था वो अब तो काम ही नहीं कर रहा, तो वो एक तरह से बेकार हो गया, तो इसी वजह से मैंने आपको न्यू वेबसाइट भी एक सर्च करके बताया। और इसमें बहुत ही आसानी से बना सकते हो, और किसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसमें बहुत आसानी से हेल्प कर दूंगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक बाय।